खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना एसआर खान। सियासत के सेंसेक्स में आज खास आपके लिए लेकर आए हैं हम साध्वी के आंसू। देखिए, बीजेपी ने जब से साध्वी प्रज्ञा को भोपाल से अपना उम्मीदवार बनाया है, लगातार साध्वी प्रज्ञा जो सुर्खियों में बनी हुई है, लेकिन आज जो तस्वीर सामने आई उसे देखकर तो राजनीति भी हैरान है और आम आदमी भी हैरान है। उमा भारती और साध्वी प्रज्ञा की मुलाकात, और इस मुलाकात में दोनों एक दूसरे से ऐसे मिली जैसे कई साल से बिछड़ी बहनें हों, एक दूसरे के गले लगकर बाकायदा दोनों रो पड़ी। तो ये जो तस्वीर आज निकल कर आई है भोपाल से, इस तस्वीर के पीछे के राजनीतिक मायने क्या हैं, इसी पर आज की स्पेशल रिपोर्ट देखिए जरा। और ये क्यों हो गया? और जैसे एक बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को समझाती है, उस तरीके का प्रेम देखने को मिल रहा है। राजनीति में ऐसे दृश्य अमूमन कम दिखाई देते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से ये तस्वीर आई तो हर किसी की निगाहें एक वक्त के लिए इसी तस्वीर पर रुक सी गई, जिस किसी ने दोनों साथियों की ये केमिस्ट्री देखी वो देखता ही रह गया। भोपाल में बीजेपी की उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा केंद्रीय मंत्री उमा भारती से लिपट कर रोने लगी तो सामने खड़े लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई, चाहे वो पत्रकार रहे हों या फिर बीजेपी के समर्थक। जहां इस तरीके का सहज प्रेम दिखाई दे, और उमा भारती ने ही जो है दिग्विजय सिंह को सत्ता से बाहर करने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी, और अब उसी भूमिका के निर्वहन के लिए वो साध्वी प्रज्ञा के साथ हैं। ये विजुअल अपने आप में एक अलग कहानी कहता हुआ नजर आ रहा है। दोनों का मिलन ऐसा था जैसे बरसों बाद बिछड़ी बहनें मिल गई। लगा यही कि छोटी बहन ने बड़ी बहन को देखा तो आंखों से भावनाओं का ज्वार फूट पड़ा। राजनीतिक पंडित इसे शायद कुछ अलग भाषा दे, लेकिन ये सहज प्रेम दिखाई दे रहा है, और ये प्रेम अभी से नहीं, काफी वर्षों से है। जब नासिक जेल में भी सबसे पहले अगर कोई मिलने गया था तो साध्वी प्रज्ञा को देखने उमा भारती जी पहुंची थी, ये प्रणाम कर रही हैं। ये उम्र में बड़ी हैं, लेकिन जो प्रेम है संत भावना का। भोपाल से चुनाव लड़ रही साध्वी प्रज्ञा के साथ उमा भारती की इन तस्वीरों के बड़े राजनीतिक मायने हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले तक माना यह जा रहा था कि उमा भारती प्रज्ञा ठाकुर की उम्मीदवारी से खुश नहीं। कम से कम पन्ना और कटनी में दिए उमा के बयानों का मतलब यही निकाला गया। वो तो एक महान संत है, मेरी उनसे तुलना ही नहीं करिए, मैं तो बहुत ही साधारण मूर्ख किस्म का प्राणी हूँ। वो तो एक महान संत है, मेरी उनसे तुलना ही नहीं करिए, मैं तो बहुत ही साधारण मूर्ख किस्म का प्राणी हूँ। उमा भारती के बयानों का साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ कोई गलत संदेश जाए उससे पहले ही बीजेपी का आलाकमान और संघ सक्रिय हो गया। पार्टी नहीं चाहती कि दिग्विजय सिंह के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरी प्रज्ञा को किसी के बयानों से कोई नुकसान पहुंचे। सूत्रों की माने तो पार्टी के पदाधिकारियों ने उमा भारती को आदेश दिया कि जल्दी से जल्दी भोपाल पहुंचकर इस मामले में अपनी स्थिति साफ करें, और आज आई तस्वीरों ने काफी हद तक गलतफहमी को दूर करने की कोशिश की। उमा भारती ने न सिर्फ बड़ी बहन के नाते साध्वी प्रज्ञा का समर्थन किया बल्कि चांदी के चम्मच से हलवा खिलाकर विजयश्री का आशीर्वाद भी दे दिया। इसके बाद उमा भारती ने साध्वी पर अपने पुराने बयानों पर सफाई भी दी। यही कहा कि उन्होंने बहुत कष्ट झेले हैं और उनके उन कष्टों के कारण मैं उनको बहुत महान संत मानती हूँ और उनके प्रति बहुत संवेदनशील हूँ, बहुत सेंसिटिव हूँ उनके मामले को लेकर के, और मैं भोपाल में उनके चुनाव प्रचार में भाग लूँगी। दीदी माँ साध्वी प्रज्ञा जी की भोपाल की उम्मीदवारी से मेरी मुझे इतनी खुशी महसूस हुई कि मुझे लगा मेरी जिंदगी के बहुत खुशनुमा दिनों में से एक है। उनकी उम्मीदवारी की घोषणा के साथ ही यहाँ भाजपा की विजय हो चुकी है। मैं उनको एक महान संत मानती हूँ, महान देशभक्त मानती हूँ, क्योंकि उन्होंने जो कष्ट झेले हैं वो एक साधारण व्यक्ति या साधारण महिला वो कष्ट नहीं झेल सकती, इसलिए उनकी उम्मीदवारी हमारे लिए गर्व और प्रसन्नता की बात है
और पार्टी यहाँ पर जिस प्रकार से पहले दिन से ही महसूस करने लगी कि साध्वी जी की उम्मीदवारी के बाद में अब भारतीय जनता पार्टी की यहाँ विजय होनी ही है। उमा भारती ने साफ कर दिया है कि वो साध्वी प्रज्ञा को महान संत मानती है और उनका प्रचार भी करेंगे। लेकिन सबसे रोचक तस्वीरें तो इस कमरे से बाहर निकलने पर नजर आई। साध्वी प्रज्ञा को प्रचार के लिए जाना था तो उमा भारती उन्हें गाड़ी तक छोड़ने आई। उमा भारती ने संत भावना का सम्मान करते हुए उन्हें प्रणाम किया और उनकी कमर के पीछे तकिया रखा। उमा भारती गले लगाकर साध्वी प्रज्ञा को विदा करने वाली ही थी कि वहां मौजूद रिपोर्टर ने साध्वी प्रज्ञा से कुछ पूछा। जी माँ करती है, अब संन्यास के बाद हमारी दीदी हमारी माँ बनी हुई है। राजनीति में लेकिन आपसे सीनियर है, क्या समझाइश दी है राजनीति में? कहती है दीदी, इतना बोलते ही साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का गला भर आया और ये देखते ही उमा भारती ने गाल चूम कर उन्हें गले से लगा लिया। गले लगाते ही साध्वी प्रज्ञा सुबक सुबक कर रोने लगी और इस दौरान उमा भारती उनकी पीठ ठोंकती रही। थोड़ा पीछे हटती है तो उमा को पता लगता है कि प्रज्ञा रो रही। इस पर वो फिर से बड़ी बहन की तरह उनके गालों को चूमकर गले से लगा लेती। इसके बाद उमा भारती प्रज्ञा ठाकुर के बालों को सहलाकर उनके आंसू पोंछती, एक बार फिर उनके गालों को चूमती। प्यार जताती है और आखिर में पैर छूकर विदा कर देती है। इन तस्वीरों से बीजेपी ने केवल भोपाल की जनता ही नहीं बल्कि पूरे देश को एक संदेश दे दिया है कि साध्वी प्रज्ञा की उम्मीदवारी के साथ न केवल संत समाज बल्कि बीजेपी का हर नेता कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। एक तरीके से एनडीए के सभी सहयोगी दलों को भी कड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है, क्योंकि आज ही आरपीआई के अध्यक्ष रामदास अठावले ने साध्वी प्रज्ञा की उम्मीदवारी पर सवाल खड़े किए थे। लेकिन मुझे लगता है कि भाई जिस तरह मतलब मालेगांव के केस में प्रज्ञा सिंह का नाम आया था और वो बहुत दिन तक जेल में थी और मतलब वो तो साध्वी ऐसी है कि भाई उल्टा सीधा ज़्यादा बात करती रहती है। हेमंत करकरे के बारे में भी उन्होंने मतलब मेरा शाप लगा इसीलिए उनका ऐसा हुआ इसी तरह का बयान देकर एक शहीदों का अपमान करने का भी काम उन्होंने किया था। तो उसके इस बयान से क्या बीजेपी को नुकसान होगा आपको लगता है ऐसा, इस तरह का जो बयान दिया है? बीजेपी को नुकसान क्या बहुत जगह पर होने का विषय तो नहीं है, लेकिन अभी उसी क्षेत्र में थोड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन बीजेपी ने उनको टिकट नहीं देना चाहिए था ऐसा मेरा कहना है। रामदास आठवले को जवाब देते हुए पार्टी की बड़ी नेता उमा भारती ने साध्वी प्रज्ञा की बड़ी बहन का दायित्व निभाया, साथ ही बिना बोले 16 साल पुराने इतिहास को दोहराने का ऐलान भी कर दिया। मैं उमा भारती ईश्वर की शपथ लेती हूँ। उमा भारती के नेतृत्व में बीजेपी ने दिग्विजय सिंह को हराकर मध्य प्रदेश की सत्ता से बाहर किया, जिसके बाद दिग्विजय राजनीतिक वनवास काटने पर मजबूर हो गए। 2003 में एमपी विधानसभा चुनाव बीजेपी ने उमा भारती के चेहरे पर लड़ा था। बीजेपी को उस चुनाव में 173 सीटें मिली थी और 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस महज 38 सीटों पर सिमट कर रह गई। उसी के बाद से दिग्विजय सिंह ने 16 सालों तक कोई चुनाव नहीं लड़ा और अब जब 16 साल बाद चुनावी मैदान में उतरे हैं तो एक बार फिर उनका सामना साध्वी से ही हो गया। उमा दीदी ने हराया था 16 वर्षों पहले, तो 16 वर्ष में ये मुंह उठाने की कोशिश नहीं कर पाया था कि राजनीति करने की कोशिश कर लेता, और अब फिर से जब होगा है तो एक दूसरी सन्यासी सामने आ गई है जो इसमें इसके कर्मों का ठीक से परिणाम है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, और अब जब समापन होगा तो फिर कभी उग नहीं पाएगा। बोलो भारत माता की। साध्वी प्रज्ञा इतिहास को दोहराने की बात कर रही है और भगवा आतंकवाद का नारा देने वालों के खिलाफ इसे निर्णायक लड़ाई बता रही है। जिसने भगवा को आतंक कहा है
ध्यान रखना भैया, हमारे साधु संतों का भी व्यापार किया जा रहा है। और ऐसा व्यक्ति जिसके अपने नाम का अर्थ ही नहीं है, ऐसा व्यक्ति साधु संतों को व्यापार कर रहा है। मैं सन्यासी हूं इसलिए खुले रूप में बोल रही हूं कि हमारा सन्यासी जो जिसने भगवा को आतंकवाद कहा है उसके पक्ष में कभी हो ही नहीं सकता। भोपाल की सीट पर दिग्गी राजा की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और उसे बचाने के लिए वो हर कोशिश में लगे हैं। पार्टी लाइन से हटकर ऐसी ही एक कोशिश बिहार के बेगूसराय से लेफ्ट के उम्मीदवार कन्हैया कुमार को अपने प्रचार में बुलाकर की, जिसका ऐलान उन्होंने भोपाल में कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर में जाकर किया। मैं कन्हैया कुमार का समर्थक हूँ और मुझे इस बात की खुशी है 8 और 9 को वो प्रचार करने भोपाल आ रहा है। मेरी पार्टी में कंफ्यूजन था, उसका एक शब्द टुकड़े टुकड़े का कोई दिखा दे, कोई दिखा दे तो मैं खुद उसको अलग कर दूं। झूठ, पूरी झूठ। कन्हैया कुमार पर जेएनयू में कथित तौर पर देश विरोधी नारेबाजी करने का आरोप है। दिग्विजय न सिर्फ कन्हैया का बचाव कर रहे बल्कि बिहार में अपनी कांग्रेस पार्टी और उसकी सहयोगी आरजेडी पर भी सवाल उठाने से कतरा नहीं रहे। मैं कन्हैया कुमार का समर्थक हूँ और खुलेआम समर्थन देता हूँ। और मैंने अपनी पार्टी में भी इस बात को कहा है कि आज जी उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है और मैंने कोशिश की थी उससे बात करने की, ये सीख आपको देना चाहिए। कन्हैया कुमार एक आइडियोलॉग बन गया है युवकों के बीच। दिग्विजय सिंह ने एक तरीके से कन्हैया को बुलाकर विवाद को न्योता दे दिया है। भोपाल की लड़ाई पहले से ही धर्म के तराजू पर तौली जा रही थी और अब कन्हैया को बुलाकर इसे राष्ट्रवाद बनाम टुकड़े टुकड़े जैसे जुमलों के बीच लाकर खड़ा कर दिया गया है। जाहिर है कन्हैया कुमार को प्रचार के लिए बुलाकर दिग्विजय सिंह ने साध्वी प्रज्ञा सहित समूची बीजेपी को हमला करने के लिए गोला बारूद मुहैया करा दिया है, क्योंकि कन्हैया कुमार का भोपाल आकर दिग्विजय सिंह के लिए प्रचार करना राष्ट्रीय मुद्दा बनेगा और बीजेपी तो इसे और बड़ा मुद्दा बनाने की पूरी पूरी कोशिश करेगी। और इसकी शुरुआत केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कर भी दी। ये कांग्रेसी हो चाहे वामपंथी हो, ये सब अभी मिलकर के एक है। उसका कारण है कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी खत्म हो गई है। आइडियोलॉजी के मामले में कांग्रेस बैंकरप्ट हो गई है, तो वो आइडियोलॉजी को ले रहे हैं वामपंथियों से। और वामपंथियों में भी अब कोई बचा नहीं है, क्योंकि जब गुजराल और देवगौड़ा की सरकार को वामपंथियों ने समर्थन किया और उसी समय पूरे इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के करार हुए WTO के, तो उसके कारण वामपंथियों की विचारधारा भी खत्म हो गई। तो अब उनके पास गाली गलौज करने वाले और देश तेरे टुकड़े होंगे नारे लगाने वाले जैसे लोग यहाँ आ रहे हैं। इससे कन्हैया कुमार जी यहाँ आएंगे, इससे हमें क्या फर्क पड़ने वाला है? दिग्विजय सिंह को ही सफाई देनी पड़ेगी, वही सफाई दें इस बात। फर्क पड़ेगा क्या? क्योंकि यहाँ पर हाँ, दिग्विजय सिंह जी को फर्क पड़ेगा, नुकसान होगा उनको, और नुकसान होगा, वो तो पहले ही नुकसान में और घाटे में आ जाएंगे। जबलपुर से बीजेपी प्रत्याशी राकेश सिंह ने भी दिग्विजय और कन्हैया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दोनों बातें कैसे चलेंगी? एक तरफ आप कहेंगे कि उनको एजेंडा बना रहे हैं, दूसरी बार कहेंगे कि देशद्रोहियों का स्वागत करें। मध्य प्रदेश की जनता देशद्रोहियों के मामले में कभी भी उनकी गलतियों को क्षमा नहीं करती। मध्य प्रदेश में सभी का स्वागत है, देश का नागरिक होने के नाते कोई भी आ सकता है, लेकिन ऐसे लोग जो भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसे नारे लगाएंगे, देशद्रोहियों के साथ खड़े होंगे, आतंकवादियों के समर्थन में खड़े होंगे, उनका स्वागत मध्य प्रदेश की जनता कभी नहीं। अंतिम सवाल, मतलब कन्हैया कुमार दिग्विजय सिंह को ही मुबारक? स्वाभाविक है, दिग्विजय सिंह जी के साथ ऐसे ही लोगों की जमात है। कन्हैया कुमार को 8 मई को भोपाल आना है, लेकिन बीजेपी अभी से उन पर हमलावर है। दिग्विजय को कन्हैया के प्रचार का फायदा मिलेगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। हाँ, ये जरूर है कि कन्हैया का प्रचार भोपाल के चुनावी मुद्दों की दिशा जरूर बदल सकता है।